जनपद रुद्रप्रयाग में 23 राज्य स्थापना दिवस अगस्त मुनि खेल मैदान में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर गौरव ने राज्य ध्वज फहराकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह ने राज्य स्थापना दिवस की बधाइयां देते हुए कहा कि राज्य बनाने से लेकर राज्य चलाने और आर्थिक सुधार में मात्र शक्ति का बड़ा योगदान रहा है। वहीं विधायक केदारनाथ शाला रानी रावत ने कहा कि जिन लोगों ने राज्य स्थापना के लिए अपनी जान गंवाई है, उन शहीदों को याद करते हुए आज हम 23वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष महावीर पवार ने बताया कि राज्य स्थापना के इन 23 सालों में बहुत प्रगति हुई है और आगे भी इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। पहले तो मैं समस्त प्रदेशवासियों को और जनपदवासियों को राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करती हूं। और आज आपने देखा है यहाँ पर राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ हुई और बहुत अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश में आज राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और प्रदेशवासियों को अपने इस उत्तराखंड राज्य निर्माण स्थापना दिवस के इस 23 वर्ष पूर्ण होने पर और आज 24वां स्थापना दिवस हमारा, उसके लिए बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। हमारा ये उत्तराखंड राज्य जो एक विषम परिस्थितियों वाला राज्य रहा है, हमेशा पहले भी ये आपदाग्रस्त सहित कई संवेदनशील मुद्दे इस राज्य के रहे हैं। और सबसे पहले मैं आज स्थापना दिवस पे जो हमारे राज्य बना उस पे आप सबको बधाई भी देती हूँ, मीडिया बंधुओं को भी, क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जब हमारा आंदोलन हुआ था, हम वो दिन नहीं भूल सकते हैं। और वास्तव में हम कहते थे कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, और आज वो कोदा झंगोरा जो है बहुत फलीभूत हो रहा है। अभी G20 के प्रोग्राम में भी पूरे 20 देशों को हमारा कोदा झंगोरा ने प्रसिद्धि पाई है। और इस स्थापना दिवस पर ये